नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 37 ईयर्स वुमन का, एक मुस्लिम लेडी है। तो उनका एक ही सवाल था जब पाम आया मेरे पास, तो ये है कि इनका पहले एक शादी हो चुकी थी और वहाँ से 3 बेटियाँ हैं और उनकी डिवोर्स हो चुकी है। तो ये दूसरी शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं इसी एज में, इनकी एज अभी 37 ईयर्स है। तो ये शादी होगी इनकी ग्रीस में, तो उनमें क्या इनको सक्सेस मिलेगा या नहीं, क्या वो जो मतलब ग्रीस में जाने के लिए जो इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है वीज़ा के लिए, उसमें क्या इनको सक्सेस मिलेगा और ये क्या ये जा पाएंगे, इसी के लिए मुझे ये पाम का पिक्चर उन्होंने भेजा था। तो मैंने इस पाम से देखा तो एक नॉर्मल सी पाम दिखी, जनरल जैसी, बहुत ही एक गरीब टाइप की पाम दिख रही थी, नॉर्मल मिडिल क्लास की जो होती है पाम, जहाँ पे एक टूटी फूटी मतलब थोड़ी बहुत ख़राब लाइफ लाइन हो, जहाँ पे बहुत सारी राहुल लाइन की वार हो, और एक माइंड लाइन छोटी सी है जहाँ पे चेन नुमा फॉर्मेशन है और ये यहाँ से छोटी सी निकल के फिर से माइंड लाइन निकली है। तो इस तरह से देखने में ये पाम बिल्कुल नॉर्मल सी है और ज़्यादा मुझे वहाँ पे कुछ दिखा भी नहीं, और एक लाइफ लाइन से निकलती हुई फेथ लाइन जो आपकी कम्फर्ट जोन देती है। तो ये सारे बहुत सारे कुछ नेगेटिव था, तो ज़्यादा मैं निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। तो क्या इनके लिए डिवोर्स का कनेक्शन भी मुझे मिल नहीं रहा थी, यहाँ पे थोड़ी उबार है और यहाँ पे ऐसी थोड़ी लाइंस वगैरह है, तो इससे एकदम पर्टिकुलरली डिवोर्स ही हो जाएगी, ये भी मुझे मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लगा कि इस पाम में लाइन क्लियर नहीं है, सब लाइन नहीं है। तो मैंने कहा कि आप पाउडर डाल के मुझे एक पाम भेजिए। जब उन्होंने पाउडर डाल के अपना पाम भेजा तो ये पाम पूरा पूरी चेंज हो गया और ये पाम इस तरह से आया मेरे पास, ये वाला आया उनका पाउडर डाला हुआ पाम। यहाँ पे मुझे पहले क्या चीज़ मिली, पहली मिली ये मैरिज लाइन जो यहाँ से निकलती है और टूट टूट के लाइन को छोटा छोटा टुकड़ा देके ऐसे हार्ट लाइन को कटती है। ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है एक मैरिज लाइन की, जब वो ऐसे मोटा होके टूट टूट के चेन नुमा फॉर्मेशन बना बना के हार्ट लाइन को कटती है। ऐसे पाम में एक बार नहीं, 2-3 बार डिवोर्स का कनेक्शन बनती है। मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, एक्चुअल पाम है इस तरह का प्रिंटेड रिटर्न, जहाँ पे एक बार नहीं 2-3 बार इसी तरह के कंडीशन से डिवोर्स का कनेक्शन बना है। तो ये आगे चल के इनके भी अगर ये शादी, ये सेकंड मैरिज इनकी हो जाएगी तो उसके बाद भी इनको, ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि ये इनकी सेकंड मैरिज बहुत ही अच्छी चलेगी, क्योंकि उसमें भी हमें डिवोर्स का कनेक्शन या विच्छेद का कनेक्शन जो बोलते हैं उसका कनेक्शन हमें मिल रही है। अगर ये लाइन एक ही लाइन क्लियरली आके शार्पली एक कट जाती और कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं होती, ये लाइन पूरा क्लियर बनती, तो जनरली एक ही डिवोर्स से वो निपट जाती और दूसरी मैरिज ठीक ठाक चल जाती। लेकिन ये लाइन जो ये घिस घिस के कट रही है, इसको लाइन को थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे लाइन टूट टूट के निकल के कट रही है तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो नेगेटिव साइन ये है, और अगर लाइन एक तरह से ऐसे ना चल के ऐसे 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 चलते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये चेन नुमा फॉर्मेशन है और इससे नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो नेगेटिव लाइन, उसके ऊपर फिर से नेगेटिविटी बढ़ जाना, ये दर्शाता है कि इनकी सेकेंड मैरिज भी बहुत ही हैप्पी होगी, इसकी चांसेस कम है। और यहाँ पे जुपिटर माउंट में ये उभार लिए हुए हैं और यहाँ पे 2-3 लाइन हमें दिख रही है कि नीचे आके माइंड लाइन की तरफ झुक रही है। ये दो और एक्स्ट्रा कनेक्शन भी जुड़ रही है कि इनकी डिवोर्स का कनेक्शन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है और इनकी एक डिवोर्स हो चुकी है और दूसरी शादी होने वाली है। इसी हिसाब से ये दूसरी शादी भी बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी रहेगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारे निकालने के बाद मैंने पाम को थोड़ा और डीप एनालिसिस किया कि 37 इयर्स एज है इनकी अभी, क्या इनकी शादी की कनेक्शन है। तो मुझे पता चला, अगर मैं एज कैलकुलेशन करने जाऊँ तो इसी एज के करीब, इसी एज के करीब बिल्कुल 35-36 इस एज में हमें ये फॉर्मेशन मिल रही है।
ये कंप्लीट स्टार फॉर्मेशन बन रही है इसी एज के करीब 36, 37, 35 के बीच में, जो एक्टिव हो रही है करीब करीब 28, 29 और ख़त्म हो रही है करीब करीब आपकी 38 तक। ये जो पीरियड है ये इनका बहुत अच्छा पीरियड रहेगा फिनांस के मामले में। ये और एक स्टार फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे, तो ये जो स्टार फॉर्मेशन बना इसी एज के करीब इनको बहुत ही फिनंशियल बेनिफिट देगी किसी ना किसी तरह से, खुद का हो, दूसरे से लेके दे, दूसरे से मिले, या किसी भी तरह से इनका फिनंशियल बेनिफिट ज़रूर होगी और इनकी जो मनचाही मुराद है वो पूरी ज़रूर होगी। तो इनकी जो अभी इच्छा है कि दूसरी शादी हो जाए ग्रीस में इनकी, वो ज़रूर कंप्लीट होगी। बहुत सारे स्टार फॉर्मेशन बन रही है इस पाम में, तो इनको मुझे पहला झटका लगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली जिसका पाम मैं समझ रहा था तो उसमें 2-3 स्टार तो मुझे ऐसे ही मिल गया। एक इसी एज में है, 2 अलग अलग एज में है, लेकिन जितनी भी हो अगर 2-3-4 अगर स्टार फॉर्मेशन मिले तो ओवरऑल पाम का ही ये बढ़िया कर देते हैं। एक यहाँ पे एक मोल था, काला तिल था, जो हमने दूसरी पाम में देखा था। राहु माउंट में अगर मोल हो, यहाँ पे करीब था राहु में अगर मोल हो तो अचानक सडन सक्सेस देती है, आप मतलब उसको समझ भी नहीं पाएंगे, आपको सक्सेस मिल जाती है। तो ये जो मोल उनके लिए बना ये भी इनको सक्सेस दिलाएगी एक फिनंशियल मामले में या करियर के मामले में। ये करियर वुमन नहीं है तो किसी तरह इनको फिनेंस में देगी। और फिर मैं गहराई में देखा तो मुझे यहाँ पे एक कंप्लीट फिश साइन दिखी, और देखा तो सैटर्न माउंट में भी वैसी बन रही है। ये दो फिश साइन, इतनी सारी स्टार और राहु में मोल, जिसे मैं एक मिडिल क्लास गरीब घर की औरत समझ रहा था, जो ऐसा सिचुएशन जो पहले मैं अभी चैट में जाऊंगा तब आपको भी पता चलेगा कि चैट देख के मुझे ऐसे ही लगा, और वो पाम का जो पिक्चर है वो उसमें तो देख के लगा ही कि ये शायद अपना घर नहीं चला पा रही है, 3 बेटियां हैं उनको लेके बहुत ही तकलीफ में है, इसलिए ये दूसरी शादी के लिए ग्रीस जा रही है और उसी के लिए हमें पूछ रही है। तो जब मैंने ये सारे साइन देखा तो फिर मेरा रिएक्शन ऐसा था, देखिए पहले ये पहला वाला जो चैट है ये है, उन्होंने कहा कि मैं डेट ऑफ बर्थ भी सेंड कर देता हूँ और मेरे फादर और मदर की डेथ हो चुकी है, डाइवोर्स ले लिया हूँ मैंने, 3 बेटियाँ है। तो मैंने कहा ओके, तो अभी जो टूर है वो सेकेंड मैरिज के लिए है ग्रीस। साइड से भी मैंने कहा कि पाउडर डल के दीजिएगा, साउट से भी पाउडर डल के दीजिए, एक साजमैन छोड़ना नहीं चाहते हैं अभी। तो मैंने कहा ओके, तो फिर मैंने वो पाउडर वाला पाम एनालिसिस किया और फिर मैंने कहा एक मिनट, कि आपकी बहुत प्रॉपर्टी और पैसा है। ये किसी भी तरह से प्रॉपर्टी या पैसे की बात तब तक नहीं हुई थी जब तक मैं ये सवाल नहीं छेड़ा था। एक मिनट, कि आपकी बहुत प्रॉपर्टी और पैसा है, किसी भी तरह से कम 1-2 करोड़ तो होगी ही होगी। तो उन्होंने कहा पता नहीं वैल्यू उसकी, लेकिन 2 बीघे की आम है, मतलब आम की खेती है, आम 2 बीघा ज़मीन में इन लोगों का आम का खेती है, आपके पाम में बहुत अच्छा फिश साइन है मैंने कहा है, पर उसकी उन्होंने वैल्यू का पता नहीं है उनको, क्योंकि उनको उसका पैसा भी नहीं मिलता है, मुझे अंकल के पास है वही देखभाल करते हैं, मतलब वो जो आम की खेती वाला ज़मीन है इनके अंकल देखभाल करती हैं, उनको ज़्यादा उनके लिए पता नहीं है, लेकिन अंकल बोलती है कि 40 लाख के ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। तो अंकल झूठ बोलते हैं, तो प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा होगी, 3-4 स्टार आपके फॉर्मेशन बन रही है, उसके साथ 2 फिश है, तो आपको कम से कम 2-3 करोड़ का तो होना ही चाहिए, फिर भी मैंने 1-2 करोड़ कहा है। उसके बाद भी और एक प्रॉपर्टी निकली इनकी, वो है देखिए एकदम नीचे वाला, और मुंबई में एक घर है जो 7 लाख के है, लेकिन वो अभी कंस्ट्रक्शन में है, पता नहीं कब मिलेगा। तो मुंबई में भी एक इनकी 7 लाख की प्रॉपर्टी है, तो इनके हिसाब से 1 करोड़ बन गया वो 40 लाख की आम की खेती, और ये मुंबई में 7 लाख की फ्लैट, लेकिन वो जो खेती है वो और भी ज़्यादा होगी। तो ये इस पाम से मैं तो कभी भी ज़िंदगी भर नहीं बता पाऊँगा कि ये करोड़पति है इस पाम की इमेज से, मुझे यही लगेगा कि एक मिडिल क्लास का है जो बहुत ही तकलीफ़ से गुजर रही है अपनी ज़िंदगी। तो ये जब मुझे ये पाम आया, तो जब भी आप लोग पाम भेजेंगे मुझे अपने एनालिसिस के लिए, ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके पाम में जो सारे लाइन हैं वो मुझे इमेज में दिखे। तो ये दिखा, फिर मुझे पता चला कि ये वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था, ये बहुत ही अमीर इंसान है और इनको ज़रूर मिलेगी। अभी एक तो इनके 2 सवाल हैं उस पर चलते हैं, उसके बाद इनका ओवरऑल पाम एनालिसिस करेंगे
और फिर इस एनालिसिस को छोड़ देंगे। तो इनकी जो पहली सवाल है, जो मेन सवाल है, दूसरा सवाल तो मैंने उनसे करवाया है तो उसका जवाब भी देंगे हम। तो पहला जो ये इनका ये एक ही सवाल था कि दूसरी शादी होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी दूसरी शादी की, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक स्टार फॉर्मेशन मिल रही है, ये आपको सक्सेस दिलाएगी, आपकी जो मनचाही मुराद है आपकी, अगर मन से आप चाहते हैं कि आपकी दूसरी शादी हो जाए तो ये ज़रूर आपकी होगी, ये मनचाही मुराद ज़रूर पूरी करेगी ये फेथ लाइन में बनने वाली स्टार साइन, और आपकी मल्टीपल मैरिज का भी कनेक्शन है। लेकिन एक वार्निंग आपके लिए फिर से मैं दे देता हूँ कि आपकी ये दूसरी शादी भी बहुत अच्छी कटेगी, बहुत अच्छी रहेगी, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है मेरी राय में। तो आपकी ये जो चांसेस है बहुत ही बढ़िया है, आप ज़रूर जा सकते हैं ग्रीस, और आपकी वो जो पॉसिबिलिटी होने के बहुत ज़्यादा होगी। और जो दूसरी सवाल मैंने बनवाया कि आपकी ये एसेट जो आपको नहीं मिल रही है कब मिलेगी, देखिए वो मैं ओवरऑल एक बार पाम एनालिसिस कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी, मैं उसी में समझा देता हूँ। इनकी पाम है रेक्टेंगुलर शेप की, रेक्टेंगुलर शेप की पाम की जो लोग होते हैं वो ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं करती हैं, वो बैठे बैठे दूसरों को देख के काम करवाती है और अपने दिमाग से काम लेती है। तो आप भी जो भी अपना जो सारे काम है दूसरों से ज़्यादा करवाइएगा, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप अपना ज़मीन जायदाद है वो भी दूसरों से निकलने के ही दूसरों के ज़रिए निकालने के ही कोशिश कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप ज़रूर से अच्छे से निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में खुद का एसेट बहुत अच्छा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। मार्कड़ी माउंट बहुत अच्छी है आपकी, आप में बुद्धि बहुत ज़्यादा है, अच्छी है, ठीक ठाक है, यहाँ पे खड़ी लाइन है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, आपकी खुद की नॉलेज अच्छी रहेगी, एनालिसिस पावर भी बहुत ही अच्छी है आपकी, तो आप खुद ही प्रॉब्लम का ये सलूशन भी निकाल पाएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ये निकाल पाएंगे कि कैसे आपको ज़मीन अपना वापस लेना है। सन माउंट मैंने पहले ही बोल दिया है, सन माउंट ठीक ठाक है, नॉर्मल है, यहाँ पे बढ़ने वाली ये फिश साइन ये दर्शाता है आप बेशुमार धन सरोवरत की ज़रूर मालिक बनेंगे। हाँ, हो सकती है दो कुछ टाइम लग जाए आपको, लेकिन आप बनेंगे ज़रूर, वो आपको मिलेगा ज़रूर, अपना खुद का जो पैसे है और ज़मीन है। सेटल माउंट ठीक ठाक है, जैसी दबी होनी चाहिए वैसी है, फिश साइन यहाँ पे भी है, तो ये भी दर्शाता है कि आपको आपका जो फिनेंशियल बेनिफिट है वो बहुत अच्छी होगी। अगर दोनों माउंट पे ही फिश साइन बनती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अमीर बनते हैं, आप भी बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जुपिटर माउंट यहाँ पे उभर लिए हुए हैं, एम्बिशन लाइन है ये, एम्बिशन लाइन और जुपिटर माउंट में बनने वाली स्क्वायर साइन बहुत बड़ी, ये स्क्वायर साइन बताती है कि आप में दूसरों को सिखाने का गुण है, जो भी आप में गुण है या शिक्षा है वो आप दूसरों को ज़रूर बहुत अच्छी तरह से सिखा पाते हैं, यही ये स्क्वायर की सिंबल है, और ये स्क्वायर आपको उसी तरह के आपका नेचर भी बताती है, मतलब आप बहुत अच्छी तरीके का टीचर है, अगर आप कुछ किसी को दूसरे को अच्छी तरह से आप सिखाना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। ये बहुत ही बड़ा स्क्वायर है, टीचर स्क्वायर, बिल्कुल एकदम कम्प्लीट नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया फॉर्मेशन में है, ये आपको उसका फ़ायदा ज़रूर देगी। आपकी एग्रेसिव मार्स बहुत बढ़िया है, इतना सुंदर उभर लिए, हाँ है बहुत सारे राहु लाइन कटाव लाइफ लाइन में, बीच बीच में आपके बहुत सारे कटाव है, ये सारे दिखाता है आपके हेल्थ का इशू, पहले शादी में डिस्टर्बेंस, रिलेटिव से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, ये सब कुछ दिखाता है ये राहु लाइन, लेकिन फिर भी ये मार्स माउंट बहुत ही अच्छी है। मार्स माउंट में बनने वाली कुछ खास स्क्वायर नुमा फॉर्मेशन, ये स्क्वायर फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है, देख लीजिए आप लोग, मार्स में अगर स्क्वायर बन रही है तो आपका ज़मीन कोई आपसे हथिया नहीं सकती है, ये पूरा पूरी मार्स है ज़मीन जायदाद का जगह, एग्रेसिव मार्स ज़मीन जायदाद की स्थान है, ज़मीन जायदाद का रक्षा करने वाला स्थान है, और वहाँ पे स्क्वायर बने तो आपका ज़मीन जायदाद सिक्योर रहेगा ही रहेगा। आपके अंकल बोलिए या कोई भी बोलिए, कोई कितनी भी कोशिश करे आपसे आपकी ज़मीन नहीं ले पाएगी, हथियार नहीं ले पाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मेशन है, और स्क्वायर किसी भी माउंट में बने तो वहाँ का प्रोटेक्टिव सील्ड का काम करती है, आपका भी करेगा, आपका ज़मीन आपको ज़रूर मिलेगी। ये एक तो एग्रेसिव मार्स अच्छी है, यहाँ पे बनने वाली स्क्वायर साइन है, तो अब ज़रूर अपना ज़मीन हो उसे वापस पाएंगे, ज़रूर पाएंगे, उसमें कोई भी शक या कोई भी संदेह नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बनने वाली स्क्वायर साइन ये कन्फर्मेशन दे रही है,
आपको आपकी ज़मीन ज़रूर मिलेगी। आपकी डिफेंसिव मार्ज भी अच्छी है, तो एग्रेसिव डिफेंसिव मार्ज दोनों ही अच्छी हैं। यहाँ पे छोटी छोटी लिटिगेशन लाइन है, ये आपके लिए अच्छी है। तो अगर ये छोटी लिटिगेशन लाइन ऊपर की तरफ दिखती हुई है और वहाँ पे एग्रेसिव मार्ज और डिफेंसिव मार्ज दोनों ही अच्छी है, तो आप कोर्ट केस के ज़रिए ईजिली अपना ज़मीन पा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप कोर्ट केस में जाएंगे तो आपको ईजिली अपना ज़मीन, जो पैसा है मुंबई का जो फ्लैट है वहाँ पर आम की खेती है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और ईजिली मिल जाएगी। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसे पाने के लिए। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। आपकी वेनस का माउंट ठीक ठाक है। यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी लाइन है, तो आपकी लाइफ लग्जरी में कटेगी ज़रूर, ये एकदम कन्फर्मेशन दे रही है। क्या पाम थी एक मिडिल क्लास की और क्या बन गई है, अभी मैं बस करोड़पतियों का जो गुण है वो निकल रहा हूँ, क्या क्या होती है आपकी पाम से। तो ये आपको लग्जरी ने ज़िंदगी ज़रूर। आपकी मून माउंट बहुत ही बढ़िया है, मून माउंट से एक निकलती हुई लाइन जो फेथ लाइन और लाइफ लाइन की जंक्शन में आ रही है, और छोटी छोटी लाइन आपकी फेथ लाइन, मेन फेथ लाइन जो यहाँ पे दिख रही है हमें, यहाँ से निकल के इस तरह से घूम के सन की तरफ जा रही है हल्की हल्की करके, तो ये दर्शाता है आपका फॉरेन का टूर बनने का चांसेस बहुत अच्छी है। ये लाइन आके यहाँ पे मिल रही है, ये दर्शाती है कि शादी के बाद में आपकी तरक्की होने की चांसेस है, शादी से या शादी के बाद। जनरली जो मेन पुरुष लोग होते हैं उनके ये लाइन बहुत अच्छी काम करती हैं, क्योंकि वो कैरियर स्टिक होती है, अपना काम करते हैं, उनके शादी के बाद उनको बहुत अच्छी प्रमोशन वगैरह या बिजनेस में अच्छी काम करते हैं या जॉब में प्रमोशन वगैरह मिलती है, नया जॉब मिलता है, बहुत कुछ होती है। आप कैरियर वुमेन नहीं है तो आपको ज़रूर फिनंशियली कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी, या शादी से भी हो सकती है, आपकी जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है उससे भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन शादी के ज़रिए इसी एज में, ये करीब करीब 37 ईयर्स एज के करीब ही है, तो इसी एज में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, चाहे वो कि कैसी भी हो, डायरेक्ट शादी से ही हो या फिर शादी के बाद आपका पुश्तैनी ज़मीन जायदाद आपको मिल जाए, किसी भी तरह से हो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये सारे जो कंडीशन है सारे के सारे आपके फेवर में ही हैं, बस यही एक अनफेवर में है कि आपके शायद दूसरी शादी भी बहुत अच्छी ना हो, क्योंकि ये इंडिकेशन बहुत ही ख़राब इंडिकेशन है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब इंडिकेशन है, अगर ऐसे घिस घिस के इस लाइन को, मैरिज लाइन ने अगर हार्ट लाइन को काटे। तो ये रही मोटा मोटी आपकी जो पाम की एनालिसिस, ज़्यादा कुछ और नहीं है। आपको जो शादी होने का चांसेस है इस साल में, इस टाइम पीरियड में, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार फॉर्मेशन बन रही है। आपका जो ज़मीन जायदाद है वो मिलने का आपका चांस बहुत ज़्यादा है, मिलेगा ही, चांसेस नहीं मिलेगा ही, क्योंकि बहुत सारे लकी साइन हैं आपके पाम में। यहाँ पे फिश है, यहाँ पे फिश है, मार्स माउंट एग्रेसिव मार्स में स्क्वायर बन रही है, और यहाँ पे डिफेंसिव मार्स भी अच्छी है, तो कोर्ट केस के ज़रिए भी आप इजीली अपना ज़मीन जायदाद वापस पा सकते हैं। आपकी लाइफ मोटा मोटी अच्छी सी लग्जरीनेस से गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी लाइन भी है। शादी के बाद आपका अच्छी होना, फिनांस में बेहतरी होना, उसके भी इंडिकेशन मिल रही है, और लेकिन वही है कि आपकी दूसरी शादी भी शायद उतनी अच्छी से ना कटे जैसे आप सोच रहे हैं अभी, कि दूसरी शादी के बाद मुझे शायद अच्छी फैमिली मिले, अच्छे से आप अपना घर संसार कर पाए, शायद वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस, और मेरे दर्शकगण के लिए दूसरा पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपका भी खुद का पाम का एनालिसिस करवाना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ होगा, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरी फीस वगैरह भी लिखा हुआ होता है, तो उसे देख के ही मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। शुक्रिया आप लोगों का।